क्लास में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन प्राइस की बात कर ली थी और उसके एडवर्स पीरियड की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है ये चर्चा कर चुके। अब हम तीसरी बात इसके अंदर करते हैं, दो बार कर चुके हैं, तीसरी बात हम इसके अंदर करते हैं पार्टनर उसको हम कहां पर ले जाएंगे, पार्टनर करंट।
ड्राइंग से जो की गई है उसका रूप नहीं है। कहने का मतलब यह है कि केवल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई और परमानेंट विड्रॉल की, परमानेंट विड्रॉल इसको कहते हैं कैपिटल। तो केवल यहां पर इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सभी की एंट्री पार्टनर करंट अकाउंट की आपको रखना है। जैसे अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बाय कैश अकाउंट, और ये यहाँ पर कैपिटल की इंट्रोड्यूस होगी। अब पता चला जैसा कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी इंटरनल कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे थे, मान लो उसने चार महीने बाद और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी तो ये लीजिए बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल। कौन लाया था? दोनों पार्टनर लाए थे, जो भी एक पार्टनर लाया था एक लाया था दो उससे ज्यादा पार्टनर कर दिया जिसके इक्वल नंबर को आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ए पार्टनर ने अपनी कैपिटल में 2 लाख कैपिटल लगाई, उसमें से 50,000 परमानेंटली विड्रॉल कर लिए तो उसके पास चले गए तो हम एंट्री ले रहे हैं टू कैश या बैंक अकाउंट, और यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगा। मान लो कि ए ने किया तो ये ए की कैपिटल को कम कर। इसके बाद में बस क्या करना है, बैलेंस निकालेंगे तो हमें पता लगेगा